जी हमारे पास LG का 180 लीटर का फ्रिज है और ये ठंडा कर रहा है, बस इसमें बर्फ नहीं जम रहा है। ठंडा तो ये सही कर रहा है, हल्का फुल्का ठंडा महसूस हो रहा है हमें यहाँ पर हाथों में, पर इसमें क्या बोतलों में हमारे बर्फ नहीं जमा पाता है। इसमें आप देख सकते हैं कोने पे एक जगह थोड़ा सा बर्फ भी जमा हुआ है, यहाँ पे आपको बर्फ दिख रहा होगा, लेकिन ये हमारे क्या है, इससे ज्यादा बर्फ नहीं जमता इस फ्रिज में और ये हमारे बोतलों में भी बर्फ नहीं जमा पा रहा है। मतलब हमारी फ्रिज ठंडा तो कर रही है पर बर्फ नहीं जमा पा रही है। तो गैस इसके अंदर गैस की समस्या है, इसके अंदर हमारा गैस डलेगा और जब जाके इसकी समस्या खत्म होगी। गैस डालने से पहले हमें सबसे पहले इसके अंदर इसकी लीकेज ढूंढनी पड़ेगी। गैस इसके अंदर लीकेज कहाँ से है, बहुत हद तक चांसेज हो सकते हैं कि इसके अंदर जहाँ से पहले गैस डाली गई है गैस उस पिन वॉल से भी लीकेज हो सकता है, या फिर हमारे यहाँ पे जो ड्रायर है इस ड्रायर के पास से भी लीकेज हो सकता है। ये पिछले साल इन्होंने इस कंपनी वालों से गैस डलवाई थी इस फ्रिज में और इस साल फिर से इसके अंदर गैस की समस्या आ गई, तो हो सकता है यहाँ से भी गैस की लीकेज हो सकती है या फिर यहाँ पे भी। तो हम इसके अंदर सबसे पहले पुरानी जो गैस है इसके अंदर की गैस, हम वो गैस निकाल लेते हैं और इसके अंदर प्रेशर डालेंगे हम सबसे पहले। सो गैस प्रेशर डालने के लिए मैं यहाँ पर अपना कंप्रेसर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गैस मैंने एक कंप्रेसर तैयार कर रखा है जिससे मैं वैक्यूम और प्रेशर इसी कंप्रेसर से ही डालता हूँ। तो चलिए अब इससे प्रेशर डालते हैं इसके अंदर। सो गैस हमने इसके अंदर 100 से ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, 110 रखा है इसके अंदर प्रेशर, और अब हम इसकी लीकेज चेक कर लेते हैं। तो लीकेज चेक करने के लिए हमने यहाँ पे सरफ पानी का घोल बनाया है इसके अंदर और एक स्पंज की सहायता से हम इसकी लीकेज देखते हैं। तो गाइस इसमें यहाँ पर लीकेज है इसकी, देख सकते हो आप, बहुत ही छोटा लीकेज है ये जो है। सो गाइस इसकी यहाँ पर लीकेज है, तो हम इस ड्रायर को इसके अंदर चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी वेल्डिंग कर देंगे जहाँ से लीकेज है। और अब आप कहोगे, आप वैसे तो आप कहते हो ड्रायर चेंज करो और इसमें आप ड्रायर चेंज नहीं कर रहे, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं इसके अंदर ड्रायर चेंज नहीं करने का रीजन, पहला रीजन तो यह है कि इसके अंदर पिछले साल गैस डली है और इसके अंदर पिछले साल गैस डली है तो ये मतलब ये ड्रायर अभी हमारा नया है, इतनी ज्यादा चोकिंग नहीं होती है ड्रायर एक साल के अंदर अंदर। और दूसरी बात ये भी है, अगर हम मान लिया कि पिछले साल इसके अंदर गैस डली है तो भी चोकिंग आ सकती है, लेकिन उसके साथ साथ गैस जो इसके अंदर पिछले साल ये जो हमारा ड्रायर चेंज हुआ उसके साथ साथ ये जाली भी है गाइस, पिछले साल इसकी जाली भी चेंज कर दी गई थी जिसकी वजह से इसके अंदर चोकिंग की समस्या नहीं होगी, इसलिए हम इसके ड्रायर को चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ इसकी यहाँ पे लीकेज है, हम इस लीकेज को बंद करते हैं। सो गाइस हम इसकी वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर का प्रेशर निकाल दिया, जो हमने इसके अंदर 100 प्रेशर डाला था गाइस उस प्रेशर को हमने निकाल दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा यहाँ प्रेशर 0 हो चुका है, और अब प्रेशर निकालने के बाद गैज अब हम इसकी थोड़ी देर वैक्यूम कर रहे हैं। इसकी वैक्यूम हम इसलिए कर रहे हैं, अगर हम इसकी वैक्यूम नहीं करेंगे तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी हवा निकलेगी और जो वो हवा निकलेगी वो हमारे यहाँ पे वेल्डिंग नहीं होने देगा, इसलिए हम इसकी थोड़ी देर वैक्यूम कर लेते हैं। जब वैक्यूम हो जाएगा तो यहाँ से हवा निकलना बंद हो जाएगा, उसके बाद हमारी वेल्डिंग अच्छी तरीके से हो सके। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर वैक्यूम कर लेते हैं, इसकी वैक्यूम हो गई है, अब हम इसकी ब्रेजिंग करते हैं। ब्रेजिंग करने के लिए गैस ये क्योंकि हमारा लोहा है तो लोहे पे ब्रेजिंग करने के लिए हम यहाँ पे फ्लक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। फ्लक्स को बीच बीच में हम वेल्डिंग रैबिस को फ्लक्स में बीच बीच में हम डुबाया करेंगे, जब ही जाके ये हमारी वेल्डिंग होगी। तो चलिए इसकी ब्रेजिंग करते हैं। हमने इसकी वेल्डिंग अच्छी तरीके से कर लिया और वेल्डिंग करने के बाद हमने एक बार फिर से इसका प्रेशर डाल के फिर से लीकेज भी चेक कर लिया कि हमारी वेल्डिंग ठीक से हुई है या नहीं हुई है। तो अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें इसकी वैक्यूम करके इसके अंदर गैस डालना है गाइस। तो वैक्यूम करने के लिए सबसे पहले हमने जो इसके अंदर का पिन वॉल निकाला था, हम सबसे पहले इसके अंदर पिन वॉल लगा देते हैं। तो यह गाइस यहां वैक्यूम करने के लिए मैं इसी कंप्रेसर का इस्तेमाल करूंगा जिस कंप्रेसर से हमने इसके अंदर प्रेशर डाला है। जब हम इसकी वैक्यूम करते हैं, हमने यहाँ प्लग लगा दिया अपना चार्जिंग लाइन, अब हम इसकी वैक्यूम करते हैं। हमारी वैक्यूम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, तो गाइस यहाँ से हमारा प्रेशर भी नहीं आ रहा, मतलब हमारी वैक्यूम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे गाइस, इसकी चार्जिंग यहाँ से बंद करते हैं इसको और इसके बाद हम इसके अंदर गैस डालते हैं। सो गाइस जब हम इसके अंदर गैस डालते हैं, गैस डालने से पहले हम यहाँ चार्जिंग लाइन में जो हमारी एयर चली गई है उस एयर को भी बाहर निकाल लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से एयर निकल गई है गाइस, एयर के साथ साथ अब इसके साथ गैस आने लगेगा गाइस।
गाइज हमने इसके का एयर निकाल दिया, अब हम इसके अंदर प्रेशर डाल दें गाइज। मैं इसके अंदर स्टैंडिंग प्रेशर 40 डालूंगा। सो गाइज हमारा स्टैंडिंग प्रेशर 40 हो चुका है, अब हम इस फ्रिज को ऑन करते हैं। सो गाइज हमारा स्टैंडिंग प्रेशर गाइज हमने इसके अंदर 40 डाला था, आपने देखा 40 से थोड़ा ज़्यादा था, और हमारा रनिंग प्रेशर आप देख सकते हो 0 से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इसके अंदर गाइज हमारी और गैस चार्ज होगी। तो इसके अंदर हम थोड़ा और गैस ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रनिंग प्रेशर गाइज 10 हो गया है, और R134 का हमारा रनिंग प्रेशर गाइज 10 ही होता है, तो हमने पूरा 10 प्रेशर यहाँ पे डाल दिया। अब हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से मुकम्मल कंप्लीट हो गई हमारी गैस चार्जिंग, और आप इसके पीछे का कंडेंसर कोइल भी चेक कर सकते हैं, छूके वो हमारा गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ अगर पीछे का कंडेंसर कोइल गर्म हो रहा है तो गाइज अंदर कूलिंग आ ही रही होगी। तो इस तरीके से आप भी अपने इस फ्रिज में गाइज R134 की गैस चार्ज कर सकते हैं गाइज।